जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। अब ये कहानी चली कहाँ से, इस बात का जवाब हम खुद डीसी लाहौर साले सही साहिबा से ले लेते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल चैम्बर में आपकी मुलाकात हुई ताजिरों से और चैम्बर के रहनुमाओं से, ये बात किस पे हुई थी जो आज एक बड़ी खबर बन चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल हमारी मीटिंग हुई है चैम्बर में प्रेसिडेंट के साथ और बाकी अहदेदारान के साथ। उसका बेसिक पर्पस ये था कि हम चैम्बर के साथ मिलके कुछ इनिशिएटिव्स लाहौर में ले सकें और उनके कोई मसाइल हैं या कोई उनके इशूज़ हैं तो उनको हम ज़िले इंतज़ामिया के लेवल से रिजॉल्व कर सकते हैं, करें। वहाँ पर डिस्कशन हुई डिफरेंट मार्केट्स के हवाले से, पार्किंग के हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से, फिर इंक्रोचमेंट के हवाले से। तो इंक्रोचमेंट पर तो हम टाइम एंड अगेन एक्शन लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारी जितनी सर्कुलर रोड की मार्केट्स हैं, अकबरी मंडी हैं, ट्रक अड्डे हैं, बुकिंग एजेंट्स हैं, उनको लाहौर के बाहर मतलब पेरिफ्री में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि रात के वक्त जो ट्रैफिक कंजेशन होती है और जब जितनी जितनी ट्रैफिक इनकी वजह से आती है, जो रश इन मार्केट्स की वजह से उन एरियाज में है, उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये सिर्फ सर्कुलर रोड के ऊपर होगा, जो मेन मेन सर्कुलर रोड का एरिया है और जिस तरह से आपने कहा हुआ बिल्कुल ट्रकों के अड्डे हैं, सिर्फ वहाँ पे या फिर शालमी के अंदर भी जो ज्यादा तादाद में दुकानें हैं वहाँ का भी रुख करेंगे आप? नहीं, देखें, शालमी इज़ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल मार्केट जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस होता है और दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसके बारे में अभी कोई प्रपोजल या तजवीज़ दे सकें। अभी तो सिर्फ ये है कि जो बड़ी मंडियां हैं, जो बड़े होलसेल वाले हैं, उनको ऐसी जगह फराहम की जाएँ ताकि शहर से उनका ट्रैफिक का जो लोड है और बाकी चीज़ों का लोड है वो ख़त्म हो सके। अभी हमारी बात हुई है वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फहीम सहगल साहब से। उनका ये कहना है कि कल उनकी डीसी साहिबा से मुलाकात यानी आपसे मुलाकात हुई है और जो शालमी मार्केट है पर्टिकुलरली उसको शिफ्ट करने का की बात हुई है। शिफ्ट होने की बात नहीं हुई, शालमी के रिलेटेड इशूज़ थे। ये ऑपरेशन कराया गया है और इतना इंक्रोचमेंट रिमूवल हुआ है, उसके बावजूद कुछ मसाइल हैं उस एरिया के, तो मैंने उनसे कहा है कि हम उनके साथ मिलकर उसको विजिट करेंगे। दूसरा, दो तीन एरियाज हैं जिन पे कोई अच्छी ग्रीन बेल्ट डेवलप हो सकती हैं या वर्टिकल फॉरेस्ट डेवलप हो सकती है। नहीं शिफ्ट हो रही, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि पॉसिबल मैंने सैगल साहब से भी यही बात की है कि पॉसिबल नहीं है। आपके नज़दीकी कैसे पॉसिबल नहीं है? कि आपका इशारा फाइनेंशियल इशूज के ऊपर है। देखिए, अभी इस बारे में बात ही नहीं है। अभी तो बात हमने ये की है कि जो, और वैसे भी चैम्बर से मैंने ये कहा है कि आप अपने सारी प्रपोजल्स जो आप कराना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि ताजर और बिजनेस कम्युनिटी फैसिलिटेट होती है, तो हम वी आर देयर टू फैसिलिटेट देम। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सारी रिकमेंडेशंस भेजेंगे और अगर वो आपको ये प्रपोजल दे रहे हैं कि शालमी पूरी की पूरी को आप शिफ्ट कर दें, तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना या इसके ऊपर नज़रसानी करना ज़िले हुकूमत के लिए पॉसिबल है? ये तो आप प्रपोजल जब आती है उसकी फाइनेंशियल, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में यही बात की, बिल्कुल अगर वो भेजते हैं तो उसकी फाइनेंशियल, असल में जो वॉल्ट सिटी है दैट इज़ अ हेरिटेज एंड दैट शुड बी डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट स्पॉट, और उसमें यही है कि वॉल्ट सिटी एक हेरिटेज डिक्लेयर हो जाए पूरे का पूरा और वो टूरिज्म के लिए ओपन हो जाए। दिस वॉज डिस्कस, शालमी भी शामिल होगा, पूरा वॉल्ट सिटी जिसमें जो भी एरिया आता है आपका, ठीक है। क्योंकि आपने अभी ये कहा है कि हम इसके ऊपर नज़रसानी कर सकते हैं, जिले हुकूमत इसके ऊपर नज़रसानी कर सकती है और ये जो नज़रसानी करने की बात है ये खबरें बन गई हैं, खबर बन गई है, हेडलाइंस की जीनत बन गई है, अखबारों की जीनत बन गई है। शालमी मार्केट के ताजरान इंतजार का शिकार हो चुके हैं, उनकी एक एक जो दुकान है वो एक एक करोड़ से दो दो करोड़ की है, छोटी से छोटी दुकान का अगर मैं खुद एस्टिमेट लगाऊँ तब, और जो रियल इस्टेट वाले एस्टिमेट लगाएंगे वो कहाँ पे पहुँचेगा? तो अगर तो साले साहिबा ये चीज़ के आप इसको शिफ्ट करेंगे तो तकरीबन 2000 अरब रुपए सिर्फ दुकानों की मद में आपको देने पड़ेंगे, 2000 अरब रुपए सिर्फ दुकानों की मद में। कोई चीज़ भी मैच्योर लेवल पे नहीं है, सिर्फ ये उन बिजनेसेस के बारे में बात थी जिसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम उनको बाहर भेज के और कोई अच्छा सोल्यूशन कर सकें जिसमें ना सिर्फ वो बिजनेस फैसिलिटेट हो सके बल्कि आपके जो शहरी हैं वो भी फैसिलिटेट हों। स्टेट में है अभी ये आपको मिल जाएंगे? आई डोंट थिंक कि हम इसके बारे में कोई भी कमेंट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। हमारी दोबारा मीटिंग्स होंगी, उसमें देखें कि वो क्या प्रपोजल्स भेजते हैं, कि वो क्या चाहते हैं। इट डिपेंड्स कि वो लोग क्या चाहते हैं, हमारे पास जो प्रपोजल्स आएंगे फिर उस पर काम होगा और कॉस्ट वुड बी बॉर्न बाय देम ऑफ कोर्स। तो लेकिन ये इस तरह की उनके ऊपर बाउंड करेंगे, मतलब ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी। हम देखें, हमने तो एज ए गवर्नमेंट एजेंसी उनको बताना है कि हम किधर उनको मास्टर प्लान में एडजस्ट कर सकते हैं,
बाकी किस तरह डेवलप होना है, क्या होना है, वो फिर आगे की बात है, बहुत दूर की बात है। अभी अभी अच्छा साले साहब, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और आई नो यू आर डीसी और पॉलिटिकल सवाल नहीं होगा मेरा, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स पिछली हुकूमत के थे जैसे ऑरेंज लाइन ट्रेन, उसके लिए छोटा सा बजट जो है वो इस साल रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जिस भी वजीर से बात की जाए तो उनका ये मौकफ रहता है कि खजाना खाली है, अभी जो है पिछली गुज़श्ता हुकूमत पैसे नहीं छोड़ के गई है। हम ऑरेंज लाइन पे देखें वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके वजह से पोल्यूशन जो है लाहौर अभी 10वें नंबर पे आ चुका है, बहुत सारी दीगर भी रीजंस हैं, लेकिन ये भी एक वन ऑफ द मेन रीजंस है कि ऑरेंज ट्रेन की वजह से जो आलूदगी है लाहौर शहर में ज्यादा हो गई। इसके बाद हम पनाहगाहें देखें वो भी कम्प्लीट नहीं हुई है, ऐसे में इतना बड़ा प्रोजेक्ट देखें, पनाहगाहें बिल्कुल कम्प्लीट होने के मराहल में, आपने शायद विजिट नहीं किया, मैं बिल्कुल करके आई हूँ, बिल्कुल मुकम्मल है। मौसम के पेश नज़र जो है ना वो उसको कुछ सूखना है और उसके बाद पेंट होना है, दैट्स इट। चार पनाहगाहें हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है और इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर साहब से इनॉग्रेट करवा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। जहाँ तक आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए जो कैंपेन हम शुरू करने लगे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम अर्थ ब्रेकिंग कराएंगे, वर्टिकल फॉरेस्ट अर्बन एरियाज के अंदर ला रहे हैं ताकि हम बड़ी ऑक्सीजन पॉकेट्स बना सकें। तो ये इनिशिएटिव्स हैं, ये हम सब ने मिलकर करने हैं और जैसे जैसे होगा तो चीजें इंप्रूव होंगी। थोड़ा सा ये इतना डेवलपमेंटल बजट है, डेवलपमेंट का बजट है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाया जा सकता है, क्योंकि शालमी सर्कुलर रोड की आपने बात की है, इसके ऊपर कितना एस्टिमेटेड बजट आ सकता है? आई कैन नॉट कमेंट, आई हैव ऑलरेडी सेड टू यू कि ये अभी कोई ऐसी चीज नहीं है। अभी सर्कुलर रोड के हवाले से जो आप चाह रही हैं कि वहाँ पे वॉल सिटी और थोड़ा सा जो रश है उसको कम किया जाए, उसके हवाले प्रपोजल्स पहले भी बनती रही हैं, लास्ट गवर्नमेंट में भी बनी है, अभी मैंने कल वो समरी देखी है और उसको ही हम करेंगे। और लाहौर चैम्बर के सदर ने हमें कहा है कि वो जो करना चाहते हैं वो मिलके हमारे साथ करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हुई हैं आज आपसे बात करने के बाद, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, हमने डीसी से बात की है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हैं, जो भी बात हुई है कल चैम्बर में वो अभी बहुत बहुत इनिशियल स्टेजेस पर हैं। यही आज के प्रोग्राम का जो कंक्लूजन है वो ये है कि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हैं। इसके अलावा अगर ये बात आगे बढ़ती है तो वो भी हमने आपको बता दिया कि इसके लिए कितना बजट चाहिए होगा, ये भी आपको इस पूरे प्रोग्राम में क्लियर हो गया। इसके अलावा शालमी मार्केट के जो ताजरान हैं वो उनका मौकिफ और इस सर्वे के हवाले से वो क्या कहते हैं ये भी आपने जान लिया है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने ये मुलाहिज़ा किया कि जो शालमी मार्केट के ताजरान हैं वो क्या कहते हैं। इसके अलावा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमने फहीमुर रहमान सहगल साहब से बात की जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या कहा ये भी आपने जाना। फिर हमने रुक किया डीसी लाहौर साले सईद साहिबा की जानिब और उन्होंने ये क्या कहा ये भी आपने सुना। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस बात को अभी इंडोर्स नहीं किया कि हम शालमी को शिफ्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये अभी तजवीज़ है, इसके ऊपर गौर किया जाएगा। हाँ, फिलहाल हम जो ट्रकों के अड्डे हैं उनको मुंतकिल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल और पॉइंट ये भी उठता है कि अगर वो ट्रकों के अड्डे जो कि सामान की मुंतकली के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, शालमी मार्केट का जो होलसेल का सामान है यही ट्रक जो है वो लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं, तो अगर ये ट्रकों के अड्डे वहाँ से शिफ्ट हो गए तो फिर शालमी मार्केट किस तरह से सरवाइव करेगी, ये भी एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तमाम तर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये मामला कुछ असलूबी के साथ सॉल्व होगा और तमाम फैक्ट्स को जानकर ही कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।